नमस्कार, मैं हूं यशी शर्मा और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। लक्सर क्षेत्र में इन दिनों शातिर चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर लक्सर के दाबकी कला गांव में बीती रात जमकर एक के बाद एक घर में घुसकर और नकदी के साथ ही महिलाओं के सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। वेदपाल के घर में चोरी के दौरान उनमें से एक चोर घर के बाहर खड़ा होकर पहरा दे रहा था। इसी बीच वेदपाल की नींद खुल गई। बाहर अज्ञात को खड़ा देख वेदपाल लाठी लेकर बाहर आने लगा। इसी दौरान घर में घुसे दूसरे चोरों ने उस पर हमला कर दिया। हमले से वेदपाल का सर फट गया और वह नीचे गिर गया। सूचना पर लक्सर पुलिस रात को ही गांव पहुंची और पूरी घटना की जानकारी ली। हमारे गांव में लगभग एक बजे के बाद ही 8-10 घरों में चोरियां हुई। अच्छा जगह भी गए थे, एक का धक्का देकर भाग गया, एक तो एक पकड़ा गया रात में, किसी के कुंडल खींच कर भाग लिया। उसकी घरवाली ने पहचान लिया, एक सुधा नाम की है, जब उसकी डिम्पल की घरवाली, उसने तो पहचान लिया था। वो रात को पकड़ कर दिया था, उसके घर के उल्टे मारन आए उनको और कि हमारे उसका नाम झुट्टा ले रहे थे। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस लाई, उसको पकड़ कर दिया जब गाँव वालों ने। यही पर वो लड़का अभी और जो उसके साथ थी, मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, फरार अभी। 2 बजे के आसपास आए आदमी और मैं भी बड़ा सुधार रखा, मेरी वाइफ भी, तो 3-4 आदमी आए और उन्होंने जो मुझे आवाज़ लगी तो मैं घर से भाग गए सामान उठा कर। मेरे 5,000 रुपये ले गए मैं और 2 ट्रक उठा के ले गए घर से।